अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फिजिक्स का टॉपिक 4.6 जो कि है सेंटर ऑफ मास, और एग्जांपल 4.4 भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक 4.6 सेंटर ऑफ मास हमारे पास। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मूव्स एज इफ इट्स एंटायर मास इज कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। ये ऑब्जर्व किया गया है कि सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम का, यानी एक सिस्टम का जो सेंटर है जहाँ पे मास हो, वो इस तरह से होता है कि जैसे कि सारा मास, सारा वेट जो है उसका, उस पॉइंट पे कन्फाइन कर दिया गया, यानी वो सारा मास उस वेट से ही आता है। अ फोर्स अप्लाइड एट सच अ पॉइंट इन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन इट, दैट इज द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एफ विदाउट रोटेशन। और अगर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास, यानी ऐसे पॉइंट पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, तो वो उस बॉडी में टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो बॉडी जो है डायरेक्शन में फोर्स के ही मूव करेगी और रोटेशन नहीं करेगी, विदाउट रोटेशन वो मूव करेगी। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी कनेक्टेड बाई अ लाइट रिजिड रॉड एज शोन इन फिगर 4.16। 4.16 में हम कंसिडर करते हैं एक रॉड जो दो पार्टिकल्स ए और बी से मिलकर बनी है। अब लेट ओ इज अ पॉइंट एनी वेयर बिटवीन ए एंड बी सच दैट द फोर्स एफ इज अप्लाइड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर 4.17। अब हम लेट करते हैं ओ जो है यहाँ पे इसका कोई भी पॉइंट है, लेकिन ये ओ जो है उसका सेंटर ऑफ मास है। हम कहते हैं ओ इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू अनइक्वल मैसेस को दिखाया गया है इस फिगर में। अब हम फिगर 4.17 में बात करते हैं कि हमने एक फोर्स एफ अप्लाई किया है सेंटर ऑफ मास ओ पे। इफ़ द सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विदाउट रोटेशन द पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अगर तो सिस्टम फोर्स एफ के डायरेक्शन में मूव करता है स्ट्रेट, यानी विदाउट रोटेशन, रोटेट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ओ जो है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अब कॉम यानी सी ओ एम यहाँ पे इससे इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास। सो अ फोर्स अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास मूव्स द सिस्टम विदाउट रोटेशन। वो सिस्टम को मूव करता है विदाउट रोटेशन। आगे हम देखते हैं डज द सिस्टम स्टिल मूव विदाउट रोटेशन इफ द फोर्स एक्ट्स एल्सवेयर ऑन इट। क्या सिस्टम रोटेशन के बगैर मूव करेगा अगर फोर्स किसी और पॉइंट पे हम लगाते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगाते? तो यहाँ पे पॉइंट वन में हम कहते हैं लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द लाइटर पार्टिकल एज शोन इन फिगर 4.18। फिगर 4.18 में हम कहते हैं लाइटर पार्टिकल पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट्स। तो सिस्टम मूव तो करता है यानी आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन सिस्टम रोटेट भी करता है। द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से अवे फोर्स अप्लाई किया जाए तो सिस्टम मूव भी करेगा और रोटेट भी करेगा। इसी तरह फिगर 4.19 में है द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेम बात ही की है, बस यहाँ पे हमने हैवियर पार्टिकल की तरफ फोर्स लगाया। तो यहाँ पे था हमारे पास लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द हैवी पार्टिकल एज शोन इन फिगर 4.19। इन दिस केस आल्सो द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट्स। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो उस सिस्टम को मूव करता है विदाउट रोटेशन या विदाउट टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट। अब हमारे पास टॉपिक 4.6 में ही आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अ बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.20। 4.20 के मुताबिक एक बॉडी जो है, अगर ये एक बॉडी है तो ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स से बनी होती है। एक बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जो होती है वो हर एक पार्टिकल को वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। The pull of the earth acting on a particle is equal to its weight. जो अर्थ पुल लगा रही है उस पार्टिकल पे वो इक्वल होगा उस पार्टिकल के वेट पे। तो जो अर्थ पुल लगा रही है एक कंप्लीट बॉडी पे वो उस कंप्लीट बॉडी के वेट के इक्वल होगा।
द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल, और एक बॉडी पे जो सारे फोर्सेज एक्ट करते हैं वो तकरीबन पैरेलल होते हैं आपस में, यानी सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट होते हैं. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेज इज़ अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, और इन सब फोर्सेज का रिजल्टेंट लिया जाए तो वो एक सिंगल फोर्स होगा जो इक्वल होगा इस पूरी बॉडी के वेट के. A point where this resultant force acts vertically towards the center of the earth is called the center of gravity G of the body. एक ऐसा point जहाँ पे इस body का entire weight या इस body का weight vertically downward act करता है earth के center की तरफ, तो उस point को हम कहते हैं इस body का center of gravity, जिसे हम represent कर रहे हैं capital G से. It is useful to know the location of the center of gravity of a body in problems dealing with equilibrium. और ये helpful होता है कि हमें उस body की center of gravity की location पता हो अगर हम equilibrium से deal कर रहे हैं. वो इसलिए ताकि फिर हम उस body को equilibrium पर ला सकें, उसे हम balance कर सकें. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी का. फिर 4.20 सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर इट्स एंटायर वेट इज अज्यूम्ड टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे समझा जाता है कि उस बॉडी का पूरा वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है. आगे हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो ये हम देख लेते हैं. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव सिमेट्रिकल शेप्स कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर ज्योमेट्री. वो उनके ज्योमेट्री से फाइंड की जा सकती है. जैसे कि अगर हम एक यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं जो कि बैलेंस्ड है, तो जहाँ पे ये यूनिफॉर्म रॉड बैलेंस हो जाएगी वो बैलेंसिंग पॉइंट ही इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द मिडल ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड. इसी तरह द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगनल्स एज शोन इन फिगर 4.22A एंड C. अब फिगर 4.22A में हमारे पास है एक यूनिफॉर्म स्क्वायर, तो उसके डायगनल्स जहाँ पे आपस में बाइसेक्ट करेंगे यानी सेंटर, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. इसी तरह रेक्टेंगुलर शीट के भी जहाँ पे डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज इट सेंटर एज शोन इन फिगर 4.22B. और सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी सेंटर होती है, जैसे कि इस फिगर बी में हम देख रहे हैं. सिमिलरली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर और अ हॉलो स्फीयर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर्स एज शोन इन फिगर 4.22B. और इसी तरह अगर एक स्फीयर सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इस फिगर की तरह ही सेंटर ही होता है. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस. ये आपको इस तरह से आ सकती है ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डैश. आपके पास ऑप्शंस होंगे डायगनल्स, साइड्स, मीडियंस, एंगल्स, तो आप मीडियम का ऑप्शन चूज करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक ट्रायंगुलर शीट है हमारे पास, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसकी मीडियंस की इंटरसेक्शन, यानी एक ट्रायंगल के जब मीडियंस ड्रॉ किए जाएं उस वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वो उस ट्रायंगुलर शीट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज द सेंटर ऑफ द रिंग. और इसी तरह एक सर्कुलर रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस रिंग का ही सेंटर होगी. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड और हॉलो सिलेंडर इज द मिडल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. और एक सॉलिड या हॉलो सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सिस का मिडल पॉइंट है, जो कि यहाँ पे है इस फिगर में. और उम्मीद है ये सब क्लियर है. कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा. और अब हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लमीना. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है.
तो यहाँ पे है अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द यूज ऑफ प्लंब लाइन। एक बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का सिंपल मेथड है कि हम एक टूल प्लंब लाइन यूज करें, जो कि ये बना हुआ है आपकी बुक में। अ प्लंब लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, लेड और ब्रास सपोर्टेड बाय ए स्ट्रिंग। अ प्लंब लाइन जो है एक स्मॉल जो है मेटल बॉब कंसिस्ट करता है, ये मेटल का पीस होता है, या तो लेड का होता है या ब्रास का, और इसे सपोर्ट किया जाता है एक स्ट्रिंग से। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग, जब इस बॉब को फ्रीली स्ट्रिंग से सस्पेंड किया जाता है, तो वो एक वर्टिकल डायरेक्शन से रेस्ट करती है उस एक बॉडी के वेट के। यानी अगर यहाँ पे एक हमने बॉडी ले ली है और उससे हम स्ट्रिंग से इसको वर्टिकली सस्पेंड करते हैं, तो ये जिस साइड पर जिस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड होगा उसी जगह कहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। एज शोन इन फिगर 4.23, फिगर 4.23A में हमें दिखाया गया है कि ये किस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जहाँ पर वो एक्ट करता है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज एग्जैक्टली बिलो इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस केस में बॉब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट के नीचे है, यानी इस पूरे स्ट्रिंग जहाँ से पास करता है उस स्ट्रिंग पर ही कहीं होती है। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेते हैं, यानी यूनिफॉर्म शेप नहीं इसकी कोई। मेक होल्स ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर 4.23B नियर इट्स एज, और उसके एज यानी उसके कॉर्नर्स के पास हम ए बी और सी होल्स बना लेते हैं उस कार्डबोर्ड में। फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, और एक कील लगाते हैं हम दीवार पे। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू वन ऑफ द होल्स, लेट इट बी ए। अब हम इस कार्डबोर्ड को दीवार पर लगा लेते हैं उस कील के साथ। यहाँ पे हम सपोज करते हैं वो होल ए है, सो डेट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए। तो ये कार्डबोर्ड जो है ये इर्द गिर्द घूम सकता है, मूव कर सकता है ए पॉइंट के थ्रू। द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। अब ये जो कार्डबोर्ड है ये रेस्ट पर आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से उस नेल के उस कील के नीचे। यानी ये कार्डबोर्ड जो है सेट हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम्ब लाइन हंग फ्रॉम द नेल। और अगर हम एक प्लम्ब लाइन को इस नेल से हैंग कर देते हैं, तो जो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाएगी स्ट्रिंग से, वो जो है हम मार्क कर लेंगे। रिपीट इट बाय सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल बी। यहाँ पे हमने नेल लगाया है, वहाँ पे होल बी को सपोर्ट देते हैं, और फिर प्लम लाइन एक लाइन बनाएगी और उस पर हम जो है पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे जहाँ से स्ट्रिंग पास करेगा। सिमिलरली ड्रॉ लाइन फ्रॉम होल सी, और होल सी से भी इसी तरह लाइन बनाएंगे हम। नोट दैट दिस लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू जी, हम नोट करेंगे ये लाइन भी जी पॉइंट से पास होती है। यानी हमने अगर इसको ए पे रखा और एक सीधी लाइन ड्रॉ की, फिर हमने बी पे रखा और एक लाइन ड्रॉ की जहाँ से ये प्लम लाइन मूव करती है। सीधी लाइन की बात नहीं, हमने वो लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से ये प्लम लाइन मूव करती है, सी से हमने ये ड्रॉ की, तो ये तीनों आपस में एक पॉइंट में मिलेंगी और वो पॉइंट होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। इट विल बी फाउंड दैट ऑल द वर्टिकल लाइन्स फ्रॉम होल A, B and C have a common point G. This common point G is the center of gravity of the cardboard. और ये point G जो है ये cardboard की center of gravity होगी। उम्मीद है आज का topic clear है। अगर कोई भी confusion है या कोई question पूछना है तो comments में ज़रूर पूछिए।